अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं कच्चे आम की स्क्वाश बनाना सिखा रही हूँ घर में, ताकि आप बच्चों को गर्मी में दे सकें और वो हेल्दी भी होता है और बहुत अच्छा होता है। ये पल्प बनाने से पहले मैंने ये एक आम रख लिया था आपको दिखाने के लिए कि आप जब आम खरीदते हैं मुरब्बा वगैरह बनाने के लिए तो बीच में ये पीले पीले निकल आते हैं, तो आपने इसका बनाना है, ठीक है। और ये इसलिए मैंने दिखाने के लिए आपको रख लिया था। अब आपने ये सारा ग्राइंडर में डालकर, ब्लेंडर में डालकर आपने ये पल्प बना लेना है। पल्प बनाने के बाद आपने ये एक प्याली चीनी है और चार इलायची के दाने हैं। एक सॉस पैन लेना है और उसमें बॉईल करके आपने ऐसे बॉईल करके आपने इलायची डाल देनी है, ठीक है। अब आपने इलायची डालने के बाद इसको चूल्हे पे रखना है ज़्यादा गर्म, और फिर इसमें जब इसमें सबसे खुशबू आ जाए इलायची की, तो फिर आप जब इलायची उबलने लग जाए, जब बॉयल्ड हो जाएगी इलायची, तो फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। बहुत हेल्दी है, बच्चों को बना कर दें। ये आप बॉटल में एयर टाइट शीशी बॉटल में रखें और फिर चीनी थोड़ी सी बनाकर चिल बर्फ करके और जग में डालकर आप बच्चों को दे सकते हैं। अब आप देखें इसमें ये देखिए इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो मैंने आपको शुगर दिखाई थी वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी हल्का सा पानी छोड़ देगी चीनी, ये देखें साइड से। अब आप देखें शुगर ने पकना शुरू कर दिया, देखें ये देखें ये देखें ये देखें आ गया। अब इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप चलाते जाएं ताकि चीनी जल ना जाए। ये देखें शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। जब ये सारी शुगर इसमें से गायब हो जाएगी तो आप इसमें सारा पल्प यूज़ करेंगे, डालेंगे इसके अंदर सारा पल्प पोर करके, फिर स्लोली स्लोली आप स्पैचुला यूज़ करेंगी। ये देखें इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत हद तक डिज़ोल्व हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें, कितना खूबसूरत कलर है, आई लव इट, ब्यूटीफुल। आप जब इसको बना के शीशे की बॉटल में रखेंगे, आपने एक चिल वाटर का ग्लास, मैं आपको तरीका बताऊँ बनाकर दिखाऊंगी, आपने सेम वैसे आपने मेथड यूज़ करना है अगर आप इससे पूरे हेल्दी तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता घोट के चम्मच या आहिस्ता आहिस्ता इसको वुड के चम्मच से आप चलाएंगे ना, तो इसमें अच्छे से कलर आता रहेगा। अब इसमें आपने करना क्या है कि इसमें जो कच्चा पन है वो निकल जाएगा और जितना भी इसमें हमने पानी यूज़ किया है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाए, और इसमें एक प्योर शुगर का बटर और जो मैंगो का पल्प है वो रह जाए। सेम बिल्कुल से स्क्वॉश बनता है वैसे ही। इस तरह का आपने कोई जार लेना है, कोई बॉटल लेनी है जिसमें आपने इसको सेव करना है और इसे फ्रिज में रखते हैं। देखें अब ये आखिरी मराहिल में स्क्वाश तैयार होने लगा है। ये देखें अब शीशे की तरह कलर आना शुरू हो गया। इसका बस कच्चापन ख़त्म करना है और जो शुगर है वो पक जाए, तो हम इसको उतार के जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम किसी बॉटल में इसको शिफ्ट करेंगे। चलें जी अब ये हमारा रेडी है और ये देखें ये शीशे की तरह बिल्कुल स्क्वॉश तैयार है। और आज तक किसी ने आपको ये बनाना सिख गुड़म्बा बनाया होगा, मुरब्बा बनाया होगा, मगर स्क्वॉश नहीं बनाया होगा। आप अपने बच्चों को ये बना कर दें, आपको तमाम जितने भी ड्रिंक्स हैं आप भूल जाएंगे, और बना के इसको रखेंगे ना तो आपको कोई भी किसी ड्रिंक की बॉटल की स्क्वॉश की किसी भी जामे शीरी की किसी संदल की किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने गर्मी भगानी है, बच्चों को हेल्दी रखना है, आप गर्मी में ये बना कर दें, इंशाल्लाह दुआओं में याद करेंगे। आप मुझे वीडियो को पूरा वॉच किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर लाइक हो जाए वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, तो प्लीज़ काइंडली आप क्लिक का बटन, थम्स अप का बटन ज़रूर दबाया करें और फिर कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने इसको ट्राई किया तो आपने क्या महसूस किया। ये बर्फ़ की क्यूब्स लेनी है आपने जिसमें आप बनाना पसंद करें। ये मैंने, मुझे अच्छा लगता है इसमें, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर और वाटर को ऐड कर दिया है और हमें इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ। डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसमें सारे ये क्यूब्स ऐड कर दूँगी।
ठीक है। ये मैंने क्यूब डाल दिया, अब इसको मैं चिल करूँगी। चिल करने के बाद फिर मैं वो जो मैंने स्क्वॉश का पल्प बनाया है ना ऐसे, ये देखिए शीशे के जार में मैं इसको धुंधार पर नजर आ रहा है। ये अब हमने इसको जार में निकाल लिया, अब इसमें से हम 2 टेबलस्पून पल्प ऐड करेंगे। अब ये स्कॉच तैयार हो गया, अब हम इसके ऊपर सट्रा लगा के और अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बहुत मज़ेदार टेस्टी, आप बच्चों को स्कूल में दे दें बनाकर लंच बॉक्स में बॉटल के अंदर, या वैसे दें स्कूल से जब बच्चे आएँ आप उन्हें ये ड्रिंक दें, बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े से पियेंगे, बहुत टेस्टी है। अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।